नेक कमाई समूह द्वारा रविवार को भी अलवर शहर से जुड़े एक दिव्यांग दंपत्ति को सहायता करते हुए न सिर्फ नेकी का कार्य किया गया बल्कि इस दौरान अलवर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज ने भी इस व्यक्ति के परिवार के साथ सहायता किए जाने को लेकर मौके पर पहुंचते हुए आश्वासन दिया है। साथ ही इस दौरान नेक कमाई समूह से जुड़े कई सदस्यों ने मौके पर मौजूद रहे। वहीं समूह को चलाने में हो रही बेहतर कार्यों की जानकारी देते हुए एक सदस्य ने बताया कि इस तरह के प्रयासों से जहां मजबूर लोगों की वो मदद की जा रही है, वहीं इस तरह के प्रयास होने के कारण कई लोगों को समय पर राहत भी मिल पाती है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की जा रही है, जिसके माध्यम से मजबूर व आर्थिक तंगी झेल रही महिलाएं भविष्य में अपना नया रोजगार भी सुचारू कर सकती हैं, जिसे आप एक बार स्वयं देख सकते हैं। नेक कमाई समूह के अभिषेक जी हैं, उनका मेरे पास में फोन आया था और दो तीन बार उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे पहले मौके पे आ जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं थोड़ा विलंब से आई हूँ लेकिन बहुत ही यहाँ की जो व्यवस्था देखकर मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। और जो आज एक विकलांग दंपत्ति और उसके पूरे परिवार को उन्होंने जो नेक कमाई के जो सभी सदस्य जो हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उनको जो एक घर के लिए आवश्यक सामग्री है वो सभी उपलब्ध कराए, जैसे कपड़े हैं, शूज हैं, सिलाई मशीन है, जिससे कि महिला जो है अपना जो है दिन प्रतिदिन का जो है कमाई करके और अपना खर्चा चला सकती है। बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ड्रेसेस हैं, बुक्स हैं, बैग्स हैं, जो एक बेसिक नीड्स है एक परिवार की वो पूरी दी गई है। तो आज यकीनन मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई है और मैं नेक कमाई के सभी सदस्यों को बधाई देती हूँ और मैं खुद चाहूंगी कि कभी मौका मिले तो मुझे भी आप जो है अवसर दें कि मैं भी इसके साथ जुड़ूं और मुझे भी मतलब ऐसा इस कमाई का मुझे भी एक जो है सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। एक कमाई समूह से मैं पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ। वास्तव में मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ इनके काम को देख करके। इसमें नौजवान, बच्चे, महिलाएं, ये सब जुड़े हुए हैं और जरूरतमंद लोगों को जो खुद आइडेंटिफाई करते हैं या कोई स्वयं आकर के सहायता मांगता है उसकी सहायता ये करते हैं। इसी क्रम में हमने भी एक संकल्प लिया हुआ है कि अपने ट्रस्ट से हम हर महीने ऐसी महिलाएं जो कि कपड़ा सीने का काम जानती हैं उनको एक मशीन दे दें ताकि उनको रोजगार का साधन मिल जाए और दो पैसे की कमाई उनकी हो। ऐसा सोच करके आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ एक परिवार को, विकलांग परिवार को सहायता दी गई है, वास्तव में एक उत्कृष्ट कार्य। सामाजिक दृष्टि से ये जो अंतिम पंक्ति की व्यक्ति है और दूसरी बात है दोनों ही दिव्यांग हैं, बाकी 3 छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं और एक बच्चा है। और आवास के संदर्भ में हमारे ADM सिटी साहब स्ट्रिक्टली कह के गई हैं कि भाई वो हो जाएगा। और जहाँ तक वैसी सहायता है कपड़ों की और अन्य, वो बहुत प्रचुर मात्रा में मशीन सिलाई देती है। उनके जीवन यापन का ये है कि भाई वो उसकी जो उनकी पत्नी है वो उससे सिलाई कर लेगी तो जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। बाकी वर्तमान में तो परंपरागत ये अपने गधे में बैठ के और ये क्या सब्जियां बेचना गांव-गांव जाके, और ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए। बाकी सभी NGO ने जो मदद करी है सच में बहुत सराहनीय है। और देख के खुद, एक तो सिलाई मशीन है और 2 कुर्सियां हैं और कपड़े, जर्सियां, जूते, चप्पल, बैग और सभी कंबल और पुस्तकें वगैरह, कॉपियां, 1 महीने का राशन। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा प्रेम शर्मा। मैं इनसे विशेष सहानुभूति रखता हूं, समय समय पे जो भी इनका मनोबल भी बढ़ाता रहता हूं और एज ए शिक्षक भी मेरा काम है कि भी ऐसे जो अंतिम पंक्ति में है जो ऐसा व्यक्ति उनकी सहायता हो। कपड़ा सीने मशीन मिली है, राशन मिलो, कपड़ा सीने मशीन है, कपड़ा है, चप्पल जूती है, राशन है, कुर्सी है, राशन आया पूरे। अच्छा।